कलेक्टर के पद पर लोकेश जाटव की नियुक्ति हुई थी तो सभी को बहुत आश्चर्य हुआ था, लेकिन जब बाद में पता चला कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के खास पसंदीदा अफसरों में से है तो सभी को पता चल गया था कि उनकी नियुक्ति क्यों की गई है। लोकेश जाटव ने आते ही अपने तेवर भी दिखाना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कई बिचौलियों को कलेक्ट्रेट से हटवा दिया है। लोकेश जाटव भी अपने तेवर दिखाने लगे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें गरीब लोगों के साथ हो रहे अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं है। यही वजह है कि जब उनके पास एक बुजुर्ग द्वारा शिकायत की गई कि कलेक्ट्रेट में सक्रिय बिचौलिए द्वारा जाति आय तथा मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 300 से 500 रुपए तक छीन लिए जाते हैं, तो वे गुस्से में आ गए और उन्होंने ये आदेश दिया कि कलेक्टर कार्यालय के सभी बिचौलियों और दलालों को खदेड़ दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वे इस खुद बात की निगरानी करेंगे कि बिचौलिए गरीब लोगों को लूट तो नहीं रहे हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट में तैनात सभी पुलिस कर्मियों को भी इस बात के निर्देश दिए कि अगर कहीं पर भी कोई भी बिचौलिया दिखाई दे तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। कुल मिलाकर गरीब के पक्ष में कलेक्टर लोकेश जाटव द्वारा की गई इस कार्रवाई को बहुत ही पसंद किया जा रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।